My name is Hitesh. I'm born and brought up in Jammu and Kashmir. मैंने invest किया है अमरपाली Dream Valley का, जो कि Noida Extension में है. Noida Extension का सबसे पहला project है अमरपाली Dream Valley, जो कि 2009 में अमरपाली Smart City के नाम से start हुआ था. But land acquisition के base पे उन्होंने वो पूरा का पूरा land disputed रहा और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने shift कर दिया पूरा का पूरा project उसके just आगे ही, जिसको अमरपाली Dream Valley कहते हैं. तो ये करीब करीब हुआ है 2011 में. तो 2000 इनफैक्ट कंसिडरिंग फ्रॉम 2009 टू टिल डेट, तो अभी तक यही है कि हम स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग कि हमें अपने फ्लैट्स का पोजीशन मिले. तो अगर मैं ओवरऑल प्रोजेक्ट का आपको बाइफिकेशन दूं, तो काफ़ी ह्यूज है वो प्रोजेक्ट. टोटल मिला के 47 टावर्स हैं. आउट ऑफ 47 टावर्स 40% की कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट नहीं हुई है. किसी टोटल मिला के 12,000 बायर्स हैं. आउट ऑफ 12,000 बायर्स किसी एक बंदे को भी अब तक पोजीशन नहीं मिला है. और जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन का पेस है, न के बराबर है. ऑलमोस्ट 1.5 साल से तो होल्ड पे ही है कंस्ट्रक्शन. वहाँ पे कोई एक सिंगल लेबर भी नहीं है. और हमने उनके लेबर से भी बात की है, कॉन्ट्रैक्टर से भी बात की है. उनकी सैलरीज होल्ड पे हो गई है. उनकी सैलरीज पिछले 8-9 महीने से नहीं दी गई है. तो कंस्ट्रक्शन पूरा ठप पड़ा हुआ है पिछले 1.5 साल से. अब हो क्या रहा है कि पूरा ऑफिस बंद है. अगर आप ड्रीम वैली के साइड पे भी जाएंगे, आपको ऑफिस पूरा क्लोज मिलेगा. वहाँ पे आपको इवन एम्प्लॉयज़ भी नहीं मिलेंगे. तो हमने काफ़ी मीटिंग्स की. हमने अनिल शर्मा से भी मीटिंग्स की. कम से कम पिछले साल हमने दो से तीन बार ही अनिल शर्मा से मीटिंग्स की और उनके बाकी डायरेक्टर से मीटिंग की. लेकिन हमेशा हम वहाँ पे गए और वही फेक कमिटमेंट्स दिए गए. मैं आपको लिस्ट दिखा सकता हूँ, मिनट्स ऑफ मीटिंग दिखा सकता हूँ. सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास. उन्होंने जो 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 चीज़ें हमें, जो जो कमिटमेंट्स हमें दी थी, वो आज तक अभी वो पूरा कर नहीं पाए. और उनका कोई बेसिकली इंटेंशन नहीं. ओके सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने ये वहाँ पे इन्वेस्ट करा, इतने साल से आपका प्रोजेक्ट रुका हुआ है, तो आपको कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखिए, ये सिर्फ सिंगल मेरी परेशानी नहीं है. मैंने तो 2015 में बुकिंग की हुई है. तो लेकिन मैंने 2015 में इसलिए बुकिंग की थी क्योंकि टॉवर्स, 4-5 टॉवर्स वहाँ पे खड़े हुए थे. तो मैंने सोचा कि ठीक है, 1-1.5 साल में मुझे मिल जाएगा. लेकिन अगर मैं 2015 से लेकर अभी तक अगर मैं देखूँ, तो आमरपाली हैज़ मैनेज्ड ओनली 1 फ्लोर फ्रॉम लास्ट 2.5 ईयर्स. तो विच इज़ वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी टू इवन थिंक कि मुझे कम से कम 2020 या 2025 तक पोजिशन मिलेगा. ना अगर मैं अमरपाली के बाकी बायर्स के बिहाफ पे बोलूं, जो कि 2009 से लड़ रहे हैं, 2010 से लड़ रहे हैं, 2011 से लड़ रहे हैं, उनकी तो और हालत ख़राब है. बिकॉज जिस हिसाब से मीटिंग्स हमारी हुई अमरपाली से, जिस हिसाब से हमारी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से मीटिंग्स हुई, हमें इंटेंशंस नहीं लग रही है. प्रॉब्लम ये है, किसी की भी काम को स्टार्ट करने के लिए या पूरा करने के लिए एक इंटेंशन का होना बहुत ज़रूरी है. वो हमें इंटेंशन पूरा मिस हो रहा है. अब आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं? अब आज की डेट में आपको EMI भी देनी है. हमने जो होम लोन लिया हुआ है, हमें आप उसकी EMI भी पे कर रहे हो. मैं जहाँ पे रेंट पे रह रहा हूँ, वहाँ पे मैं करीब करीब 15,000 रुपये इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग मेंटेनेंस मैं वहाँ पे रेंट दे रहा हूँ. बच्चों की पढ़ाई का है, घर का खर्चा है. ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल है एक मिडिल क्लास आदमी के लिए. और मेरे हिसाब से बिल्डर्स, पॉलिटिशियंस और अथॉरिटी, ये कोई नई चीज़ नहीं है. सबको पता है कि क्या हो रहा है. बट मेरे को लगता है कि हमारी इस हालत के लिए दे आर टेकिंग ए अनड्यू एडवांटेज. सर, कितनी मीटिंग्स अभी तक शेड्यूल हो चुकी हैं इसी बेसिस पर? अगर हम 2015 से स्टार्ट करूं मैं, तो 2015 से जब से मैं जुड़ा हूं, 2015 से कम हमने 4-5 मीटिंग्स की. सर, उसका कुछ आउटकम आपके फेवर में अगर आया तो? प्रॉब्लम वही है कि हमेशा हम मीटिंग्स में गए, मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाई गई. उसमें उनके ही लेटर हेड पे उन्होंने प्रॉपर बताया कि हम इतने लेबर्स लगाएंगे, हम ये टावर इस मंथ को देंगे या इस ईयर को देंगे. बट अभी तक वो जो कमिटमेंट्स है वो पूरी फेल्ड हो चुकी है. आज की डेट में कोई भी लेबर ही नहीं है वहाँ पे. फॉरगेट अबाउट कि वो कंस्ट्रक्शन कब करेंगे स्टार्ट, अभी तक तो उनके लेबर्स नहीं हैं. ओके सर, राउंड अबाउट आपके हिसाब से कितने होम बायर्स वहाँ पे होंगे? करीब करीब 12,000 प्लस है, क्योंकि 47 टावर्स है, 12,000 प्लस है. मेरे पास कम से कम जो डाटा इकट्ठा किया है, तो उसके हिसाब से मेरे पास कम अभी 2,000 का डाटा है.
उस आउट ऑफ 2000 के डाटा के हिसाब से अगर आप, मैं आपको मोटा मोटा कैलकुलेशन बता देता हूँ कि जितना हमने पैसा दिया हुआ है वो कहाँ कहाँ डाइवर्ट हुआ है. अगर मेरे पास 2000 का डाटा है, उस 2000 के डाटा के हिसाब से अगर मैं एनालिसिस करूँ तो कम से कम आप 15 लाख रुपये, आप 10 लाख रुपये आप पर बाहर के हिसाब से आप मान ही लो कि उसने दिया ही दिया है पैसा, तो आप 2000 × 10 लाख रुपये करो, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना पैसा जा चुका है. अगर आम्रपाली ड्रीम वैली ओवरऑल की मैं बात करूँ, ये करीब करीब 990 करोड़ का प्रोजेक्ट है इफ़ आई कंसिडर फ्रॉम 2009. आउट ऑफ 990 करोड़, कम से कम 748 करोड़ ऑलरेडी पे कर चुके हैं बायर्स. सर आपका कहना है 2009 में ये लॉन्च हुआ था, तो इसकी अगर हम साइट में देखें तो ये लॉन्च डेट अलग है, तो इसके ऊपर आप कुछ नहीं, चाहे वो लॉन्च डेट कुछ भी करे, क्योंकि 2009 में बायर्स ने जो पैसा अपना लगाया है, उनका जो BBA बना हुआ है वो आम्रपाली स्मार्ट सिटी का है, तो दे विल कंसिडर दैट फैक्ट, राइट, दे विल कंसिडर फ्रॉम आम्रपाली स्मार्ट सिटी. 2011 में उन्होंने वो आम्रपाली स्मार्ट सिटी के बायर्स को आम्रपाली ड्रीम वैली में शिफ्ट कर दिया, और 2011 में उन्होंने नया BBA बनाया. ना मैं तो कह रहा हूँ कि चलो 2011 से भी अगर आप करो, 2011 से तो आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा. टुडे इट्स 2017, इट्स ऑलमोस्ट सिक्स, मोर देन 6 ईयर्स, तो अभी तक तो यह बन जाना चाहिए था, बट आई डोंट थिंक सो, बेस्ड ऑन देयर इंटेंशन एंड बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस एंड ऑल दैट, इट दे कैन नॉट कम्प्लीट बिफोर 2030. आई एम 120% श्योर. सो सर आपके क्या स्टेप रहेंगे आगे, आपको जैसे आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि अगर वो कम्प्लीट नहीं हो पाता है, तो आपकी क्या क्या सजेशन रहेंगे आम्रपाली के बिहाफ में? देखिए, हमने अभी पिछले हफ्ते ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से हम मिले थे, मिस्टर देवाशीष पांडा जो नए CEO आए थे, उन्होंने 2-3 दिन पहले, 4-5 दिन पहले ही उन्होंने ज्वाइन किया था. हम उनसे मिले, करीब करीब हम 100-150 बायर्स गए थे, हम उनसे मिले, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, हम बैठे उनसे बात की कि आप ये बताइए कि हमारा तो पैसा उन्होंने डाइवर्ट कर ही दिया है, जो आम्रपाली को आपके ड्यूज चुकाने हैं, करीब करीब 300 करोड़ रुपए का ड्यूज है जो आम्रपाली सपोज टू पे टू ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, आपने उस पर एक्शन क्या लिया? और हमने उससे ही काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस किया, तो हमारा एज ऑन डेट हमने जो उस टाइम पे अल्टीमेटम प्रॉपरली डिमांड और अपने अल्टीमेटम उनके सामने रखे हैं कि बॉस, अगर आप 31 मई को अगर प्रॉपरली जो वो जो भी मीटिंग होगी, जो भी वहाँ पे चीज़ें डिस्कस की जाएगी, जो भी वहाँ पे मिनट्स ऑफ मीटिंग कैप्चर्स की जाएंगे, उस पे बायर्स तो साइन ऑफ आम्रपाली से नहीं लेगा, हम तो आपका गला पकड़ेंगे, हमें तो उनके सामने आपका साइन ऑफ चाहिए. और पैरेलली हम क्या कर रहे हैं कि हमने ड्रीम वैली में से काफ़ी सारे बायर्स लीगल जा चुके हैं, केसेस एडमिट हो चुके हैं. हम इनफैक्ट अगले महीने से हम राउंडली 10 दिन के लिए कंटिन्यूस 31 मई की हमारी मीटिंग हो जाने दीजिए जो परसों है, उसके बेस पे जो हमें उस दिन, हमें पता है कि उस मीटिंग में कुछ नहीं, इट्स जस्ट आई वॉश, हमें पता है कि हम ज़्यादा कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करते उस मीटिंग से, लेकिन उस मीटिंग के बाद अगर हम कम से कम 1 महीने का टाइम देंगे, और 1 महीने के बाद हमने डेट्स फाइनलाइज की हुई है, फ्रॉम जुलाई 10 से लेके 20 जुलाई तक हम इनडिफरेंट हंगर स्ट्राइक पे बैठने वाले हैं. नोएडा एक्सटेंशन के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे हम बात करके हमने ये डिसाइड किया कि हम 10 दिन तक कम्प्लीटली हंगर स्ट्राइक करने वाले हैं, क्योंकि ना गवर्नमेंट कुछ कर रही है, ना स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर रही है. अभी तक रेरा भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, हालांकि रेरा इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन जो उसके लॉज है, जो उसके अमेंडमेंट्स हैं, वो अभी तक कम्प्लीट नहीं हुए हैं. तो मेरे हिसाब से अभी मुझे कुछ इंटेंशन साफ नहीं नज़र आ रही फ्रॉम गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम बिल्डर पर्सपेक्टिव, और जो फ्रॉम ग्रेटर नोएडा, एज फार एज ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इज़ कंसर्न. ओके सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बिल्डर अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो वो गवर्नमेंट को दोष देते हैं, अथॉरिटीज़ को दोष देते हैं, तो सर इस बात से आप कितना सहमत? देखिए, यही तो होता आया है, यही डे वन से होता आया है. अगर हम आम्रपाली के पास जाए तो आम्रपाली हमें ये बोलता है कि हम तो पूरे कमिटेड है आपका फ्लैट आपके देने में, बट जब 2009 में लैंड डिस्प्यूट हुआ तो हमने आपको शिफ्ट किया ड्रीम वैली में. 2011 में फिर वहाँ पे जो पूरा एरिया था वो कुछ फार्मर्स का डिस्प्यूट हुआ जो कि अलाहाबाद हाई कोर्ट तक चला गया. उसके बाद NGT का कुछ इशू आया तो वो पूरा हमें काम रोकना पड़ा. हमने उनको सिर्फ एक ही चीज़ बोली कि बॉस, अगर आपको ड्रीम वैली में भी डिस्प्यूट आए थे, आपने पैसे कैसे चार्ज किए? आपका अगर अलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा था, अगर आपका NGT का इशू था, स्टिल यू हैव टेकन मनी फ्रॉम द बायर्स, आपने डिमांड रेज की है,
आपको पैसा नहीं लेना चाहिए था। अगर आपका ये पहले इश्यूज़ क्लियर हो जाते, आप इश्यूज़ क्लियर होने के बाद बायर से पैसा डिमांड करते, बायर्स आपको पैसा दे देते और आप एटलीस्ट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते थे। बट उनका यही है, और ये कोई नई चीज़ नहीं है। पिछली सरकारों की वजह से अगर हम देखें, हमारा जो आज की डेट में अगर आप पूरे नोएडा नोएडा एक्सटेंशन के होम बायर्स की हालत देखेंगे, ये किसकी वजह से? ये पिछले सरकारों की वजह से, ये और ये मायावती से चलते आ रहे हैं। ये इन्होंने बहुत कम पैसे पे इनको ये लैंड लीज पे दे दिया, और ये नोएडा एक्सटेंशन का अगर आपको याद होगा, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी बनने वाली थी, तो उन्होंने बाद में ये रेजिडेंशियल में इनको कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद उनको बहुत कम मिनिमल अमाउंट पे इनको लैंड लीज पे दे दिया। तो ये सारा करप्शन स्टार्टिंग से ही, ये नोएडा अथॉरिटी, क्रेडाई, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, बिल्डर, पॉलिटिशियंस, ये सबकी मिली भगत है। और उसमें अल्टीमेटली जिसका जो इफेक्ट हो रहा है वो होम बायर्स है। और यही एक प्रॉब्लम है कि हम मिडिल क्लास आदमी हैं, नौकरी पेशा आदमी हैं, हमें फैमिली को भी टेक केयर करना है, हमें नौकरी भी करनी है, और इसी चीज़ का एक अनड्यू एडवांटेज बिल्डर्स भी ले रहे हैं, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी भी ले रही है, और उनको पता है कि अरे यार इनको मरने दो, ये चाहे जितना भी चलाएंगे, एक दिन चलाएंगे, दो दिन चलाएंगे। बट मेरे हिसाब से वो टाइम अब आ गया है जिसमें कि अगर मैं बाकी नोएडा एक्सटेंशन के बाकी प्रोजेक्ट से मैं मिलता रहता हूँ, उनसे बात हो गया, बहुत हाई टाइम है। और मेरे को लगता है कि ये अब स्टेट लेवल का इशू नहीं बनने वाला। सूनर और लेटर आई एम 120% श्योर कि ये चीज़ अब नेशनल लेवल पे चली जाएगी। सर एक लास्ट क्वेश्चन, आपकी तरफ से कोई सजेशन अमरपाली ग्रुप को? मेरे हिसाब से अमरपाली ड्रीम वाली को सजेशन यही है, अमरपाली बिल्डर को सजेशन यही है कि आपको किसी भी तरह से कोई भी इन्वेस्टर आपको लाना पड़ेगा, आपको अपना इनिशियल अमाउंट उसमें डालने पड़ेंगे। जब तक आप इनिशियल अमाउंट उस पर नहीं डालोगे, चाहे 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, अपने पॉकेट से या किसी इन्वेस्टर के थ्रू, जब तक वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का प्रोग्रेस नहीं हमें दिखेगा, तब तक हमें वो इंटेंशंस हमारे लिए साफ़ नहीं होगी। जब तक आप काम दिखाएंगे कि हाँ यू आर कमिटेड टू डिलीवर द फ्लैट्स, तब हम अपना पैसा आपको देने के लिए रेडी है। आप एस्क्रो अकाउंट बोलिए, हम एस्क्रो अकाउंट खोलने के लिए तैयार है। हमें कोई उसमें कोई इशू नहीं है। हम ये चीज़ पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि एस्क्रो अकाउंट खुलना चाहिए, सो दैट कि जो बायर्स का पैसा है वो उस अकाउंट में जाए, और उस अकाउंट से जो पैसा निकलेगा वो उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ही जाएगा। तो बट उस अकाउंट में आपको वो डिफरेंस अमाउंट डालना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि आपने एस्क्रो अकाउंट खोला तो आप इमीडिएटली नेक्स्ट डे एक डिमांड रेज करेंगे और बायर्स का पैसा फिर से लेके उसी अकाउंट में डालेंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बायर्स अब काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। मेरे हिसाब से आपको इन्वेस्टर्स ढूंढने पड़ेंगे, और आपने जो ये उनके जो खुद के वो डायरेक्टर्स हैं जो कि दे आर गुड फॉर नथिंग, मेरे हिसाब से उनको बड़ा स्ट्रॉन्ग अपने एम्प्लॉयज़ को बड़े स्ट्रॉन्ग हिसाब से उनको एक्शंस लेना पड़ेगा, उनको काम करना पड़ेगा, एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट उनको इंटेंशंस अपनी दिखानी पड़ेगी कि दे आर स्टिल कमिटेड, विच आई डोंट एक्सपेक्ट एट ऑल। बट हाँ, पैरेलली हम तो अभी सारे बायर्स को यही पुश कर रहे हैं कि यू गो फॉर अ लीगल, बिकॉज अल्टीमेटली इफ़ ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन इन अ पेस विच वी आर एक्सपेक्टिंग, तो मोस्ट प्रोबेबली ये 2030 से पहले नहीं बनेगा, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए कम से कम 2000 लेबर्स, मिनिमम 2000 लेबर्स चाहिए होंगे पर डे, जो कि वो डिलीवर करने में सहमत नहीं है, मुझे नहीं लगता। ऑन द होल हमारा पैरेलल यही है कि वी आर पुशिंग एवरीबडी फॉर अ लीगल, एंड फॉर अमरपाली बिल्डर they need to clear their intention.